एंड एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 की। आप सभी लोगों को कुछ जानकारी देनी थी और आप सभी लोगों की कुछ क्वेरी भी थी जो कि इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी और आपके जो भी डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर हो सकते हैं। यदि आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट में शामिल थे या अभी आपकी परीक्षा नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आइए जानते हैं कुछ चीज़ों को जो कि आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो स्किल टेस्ट डेट क्या है और ये कैसे आप पता करेंगे। कुछ अभ्यर्थी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 17 को है, 17 अगस्त को कुछ हैं आपके स्किल टेस्ट, तो पूछा था कैसे पता, क्या आपकी जो मेल आईडी होगी उस पर मैसेज आया होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के आए हैं और आप कमेंट सेक्शन में देख भी सकते हैं कि कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बताया भी है कि उनकी जो है कब टाइपिंग है, क्या है, कैसे है, तो आप भी अपना चेक करते रहें, आपको भी मेल और मैसेज आएंगे। रही बात एडमिट कार्ड की, तो कोई लिखित परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है उसी एडमिट कार्ड को लेकर आपको जाना होगा। अलग से कोई एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए जारी नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि एडमिट कार्ड का इंतज़ार नहीं करना है आपको। आपका जैसे ही मेल मैसेज आए, जिनके भी रिजल्ट रिटर्न के आ गए हैं और आप उस लिस्ट में शामिल हैं, तो आपके स्किल टेस्ट होंगे। सेंटर सबका एक ही रहता है। और बात करें कि क्या एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, यानी स्किल टेस्ट जो होना है एक ही शिफ्ट में हो जाएगा या नहीं, देखिए कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो इनका कोई ज़रूरी नहीं है कि शिफ्ट में, इनके दो शिफ्ट में होंगे। बाकी जैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट हैं, सेक्शन ऑफिसर है, स्टेनोग्राफर है, इन सब में बच्चे बहुत ज़्यादा कम हैं। एक एक शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, सेम डेट पर भी हो जाएंगे। कुछ होंगे जिसमें ज़्यादा होंगे तो दो दिन लग सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग ये भी पूछ रहे थे क्या जो अभी लिस्ट आई है सेकेंड लिस्ट आ सकती है क्या फिर से, जिसके जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या अदर, तो नहीं, कोई भी अब दूसरी लिस्ट नहीं आएगी। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो ना करें तो बेहतर है, आपके लिए कोई भी दूसरी लिस्ट नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ से ऐसा होता ही नहीं कि दूसरी लिस्ट जारी हो। तो जो लिस्ट आ चुकी है वही आपका फाइनल लिस्ट है यानी स्किल टेस्ट के लिए। बाकी जो लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं आया है तो क्या करें, या अगर तो आपको क्या करना है, जो लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड है तो आपका एडमिट कार्ड आपको पता चलेगा आपकी ईमेल आईडी और मैसेज से, ठीक है। वहाँ से नहीं भी पता चलेगा तो ऑफिशियल तौर पे कुछ भी आएगा तो टेलीग्राम चैनल पे और वीडियो के माध्यम से भी आपको सूचित किया जाएगा। और कुछ अभ्यर्थी हैं जिनको ये डाउट है कि स्किल टेस्ट अगर में होता क्या है और टाइपिंग टेस्ट क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी हाँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए जो स्किल है, आपके स्किल में टाइपिंग इंक्लूडेड है, मतलब आपके स्किल देखी जाती है कि आपने जिस पद के लिए फॉर्म अप्लाई किया है आपको आता है या नहीं। आप उसमें जैसे मान लीजिए आपका आपने कुक के लिए अप्लाई किया, ठीक है, अब आप कुक के लिए चले गए, आपको पता लगा कुछ बनाने ही नहीं आता, कुछ करने नहीं आता। ड्राइवर पोस्ट के लिए आप गए, आपको ड्राइविंग नहीं आती। इलेक्ट्रीशियन पद के गए, आपको इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड कुछ नहीं आता। तो वही जो आपकी स्किल देखी जाती, यही देखी जाती कि जिस पोजीशन पे आप जा रहे हैं आप वहाँ काम कैसे कर पाएंगे, इसी का टेस्ट होता है। उसमें स्किल टेस्ट में काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, जबकि जहाँ कहें सिर्फ टाइपिंग टेस्ट लिखा होता है, केवल देखा जाता है कि आपको टाइपिंग आ रही है या नहीं आ रही है और जो स्पीड मेंटेन करने को कहा जाए उतना स्पीड मेंटेन है या नहीं है, तो ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। टाइपिंग टेस्ट में सिर्फ टाइपिंग टेस्ट ही होगा और स्किल टेस्ट में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे केवल टाइपिंग नहीं कराई जाएगी, एमएस वर्ड से चीज़ें पूछी जाएंगी, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ों से भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये होता है कुछ जगह पे क्या होता है, स्किल टेस्ट में ही टाइपिंग टेस्ट को भी इंक्लूड करते हैं कि वही आपका टाइपिंग टेस्ट है। तो जहाँ ये लिखा होगा स्किल टेस्ट में ही टाइपिंग हो रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन केवल स्किल टेस्ट की बात करें तो उसमें केवल टाइपिंग टेस्ट नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपकी चीज़ें होनी है। वैसे भी पोस्ट वाइज जिनके अभी स्किल टेस्ट होने हैं, मैंने सारी सूचना आपको अलग अलग पोस्ट वाइज भी वीडियो अवेलेबल कराई है, जो ना देखे हों देख सकते हैं, अगर उनको ज़रूरत लगता है कि सही है मैं देख लूँ तो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी सूचना आएगी टेलीग्राम पर सूचित करेंगे और उस पर भी। और एक महत्वपूर्ण सूचना सभी के लिए, MTS अभ्यर्थियों के लिए भी रिज़ल्ट अभी आ जाएंगे, आपके परेशान ना हो, जल्द ही आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है, आपकी कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी क्वेरी हो, पूरी कोशिश रहेगी कल शाम तक लाइव सेशन लेने की। लाइव सेशन का मतलब कोई क्लास नहीं, ओनली डिस्कशन, आपके जो क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हैं। तो कल शाम को कोशिश करेंगे कनेक्ट होने की, अगर नेटवर्क सही रहा तो, नहीं तो नेक्स्ट डे, तो मतलब दो दिन के अंदर मैं आप
आपके सेशन में आऊँगी ताकि आपके जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ से डाउट क्लियर कर लें, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो आपको दी, उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें रही होंगी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो परेशान ना हो, आप लोग अपने स्किल टेस्ट की तैयारी करें, बाकी जिनका क्या करना है मैंने हर एक पोस्ट के लिए बताया है, और आप अपनी और भी पढ़ाई करें जो कि एग्ज़ाम है आपके। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम अभी आपके 23 अगस्त से स्टार्ट है, तो उस पर भी ध्यान दें जो भी अभ्यर्थी शामिल हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। जय हिंद।